भारतीय जाट समाज बल्लभगढ़ द्वारा आज महाराजा सूरजमल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर बल्लभगढ़ सियासत के राजा शहीद नाहर सिंह जी के, उनके सोनीपत गुलाब सिंह सैनी और भूरा सिंह वाल्मीकि की प्रतिमा स्थल राजा नाहर सिंह महल में यज्ञ हवन का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के द्वारा आज शहीद राजा नाहर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर शहर के गणमान्य लोग एवं जाट समाज के नेता मौजूद रहे। इसी के साथ प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज ऐतिहासिक दिन है। आज अर्नाला राजा नाहर सिंह की मूर्ति स्थापना आज नाहर सिंह पैलेस में की है। वो सदियों से, बहुत लंबे समय से डिमांड थी, सैकड़ों साल के बाद आज मुझे खुशी इस बात की राजा नाहर सिंह की मूर्ति की जाट समाज ने जो स्थापना की है, इनको बधाई दूंगा और प्रदेश के माननीय मनोहर लाल जी को बधाई दूंगा। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म दिवस भी है, मोहन मालवीय जी का भी जन्म दिवस है, आज बड़ा दिन भी है, ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन पर आज 25 दिसंबर की मैं सबको अपनी तरफ से बहुत बधाई बहुत मुबारक। सुशासन दिवस भी है और मैं आज बतौर पूरे हरियाणा में हर जिले पर सुशासन दिवस। कृषि मंत्री जेपी दलाल सुशासन दिवस के अवसर पर स्थानीय लघु सचिवालय परिसर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में संदेश दिया। इस दौरान पंचकुला से राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लाइव जोड़ा गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी प्रदेशवासियों को अपना संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज लाभ प्राप्तों को लाभ पात्रों के खाते में सीधे रुपए पैसे भेजे जा रहे हैं और कोई बिचौलिया नहीं है, जबकि पहले लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। उन्होंने कहा कि वास्तव में लोकतंत्र वही है जब पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। कल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पर बहुत जबरदस्त किसानों ने इकट्ठा होकर के ये पर्व मनाया। मैं सब किसान भाइयों को, किसान परिवारों को इसकी धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह से उन्होंने आशीर्वाद दिया। हम सब मिलकर के गांव देहात को आगे बढ़ाएंगे, किसान के खेत में, किसान के घर में खुशहाली लेके आएंगे और इस कृषि की जो इज्जत होती थी उसको दोबारा से बहाल करेंगे। और मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रभारी जी का, हमारे सारे संगठन का, सरकार का मैं धन्यवाद देता हूँ। इतना जबरदस्त कार्यक्रम हुआ, सबको मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। यमुनानगर जिले के सचिवालय में सोमवार को सुशासन दिवस मनाया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं जिला प्रशासन के सभी अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा था, उस राह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार हर स्तर पर जनता के बीच जाकर उनके काम करने का प्रयास कर रही है। इसी के लिए विकसित भारत जनसंकल्प यात्रा भी चलाई गई है और सरकार के प्रतिनिधि जनता के बीच जाकर जनसंवाद भी कर रहे हैं।
कि अभी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, और इस काम की शुरुआत जिस प्रकार से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी शुरुआत की, तो उन्हीं के याद में हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। और हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना, और उसके लिए टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा महत्व है। तो आज जिस प्रकार से हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनको स्मार्टफोन दिए गए, मैं समझता हूँ काफी कुछ जानकारी जो उन्हें जाकर प्रत्यक्ष रूप से देनी पड़ती थी, तो अभी वो मोबाइल से उसको ईमेल भी कर सकती हैं, दूसरी और तरीके से भी उसको व्हाट्सएप भी कर सकती हैं, उससे सारी जानकारी दे भी सकती हैं और बहुत कुछ जानकारी ले भी सकती हैं। और इसी प्रकार से सरकार ने भी 500 से ज्यादा योजनाएं जो हैं ऑनलाइन शुरू की। जी, मैं इसके लिए हमारी जो माननीय मंत्री महोदय जी कमलेश नड्डा जी, जिन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया और पूरे राज्य में जितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनको ये एंड्रॉयड फोन दिए गए हैं, इसके लिए मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। अब किसी भी तरह से जो भी ऑनलाइन डाटा करना है उसमें कोई हमारा एक्सक्यूज नहीं रहेगा, क्योंकि अक्सर उनके पति फोन ले जाते थे तो उनके पास नहीं रहता था, बच्चे पढ़ते थे उनके पास था, तो हम अपना सारे कार्य समय पे करने के लिए इसलिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, डिमांड तो इसकी बहुत टाइम से चल रही थी, क्योंकि हमें हर काम ऑनलाइन करना होता है, कुछ भी करना है, बच्चों का रजिस्ट्रेशन है, गर्भवती महिलाएं हैं उनका रजिस्ट्रेशन है, टीका का, मतलब हर चीज हमें ऑनलाइन करनी होती है। तो कुछ हमारे पास वर्कर्स ऐसी थी जिनके पास स्मार्टफोन नहीं थे, कीपैड वाले थे, तो उनको ऑनलाइन काम करने में बहुत दिक्कत थी, तो काफी टाइम से डिमांड चल रही थी कि हमें स्मार्टफोन दिए जाए ताकि हम अपने काम को सुचारू रूप से कर सके। तो आज सुशासन दिवस पर हमें ये फोन दिए गए, तो हर वर्कर अपने काम को पूरे। जुलाना सीआईए पुलिस ने नशीला पदार्थ अफीम व चुरापोस्त सहित दो आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। उनके कब्जे से लगभग 138 ग्राम अफीम व 2 किलो 500 ग्राम चुरापोस्त बरामद हुआ है। वहीं पुलिस द्वारा दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जुलाना सीआईए इंचार्ज संदीप कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार द्वारा नशीले पदार्थों के प्रति विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत सीआईए पुलिस जुलाना ने कार्रवाई करते हुए सेफ एक्सप्रेस कंपनी के ट्रक ड्राइवर व कंडक्टर को गिरफ्तार किया है, जिसमें बगैर मालिक को बताए नशीला पदार्थ लाया जा रहा था, जिसमें ट्रक ड्राइवर व एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जब्त की गई 2 किलो 500 ग्राम चुरापोस्त व 138 ग्राम अफीम बरामद हुई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नशीले पदार्थों की कीमत लगभग 50,000 रुपए है। एसपी साहब श्री सुमित कुमार आईपीएस के निर्देशन में नशा तस्करी के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें आज ड्राइवर और कनेक्टर सेफ एक्सप्रेस कंपनी का जो ये ट्रक है, इसमें राजस्थान से बगैर मालिक को बताए, अभी तक की जो तफ्तीश में हमारे को पता चला है, बाकी अभी तफ्तीश जारी है, मालिक को बगैर बताए अफीम और जो चुरापोस्त है ये लेके आए थे राजस्थान से यहाँ बेचने के लिए। इसमें एक आरोपी कुलदीप है जो यहाँ बुराडेर से है, दूसरा आदमी आरोपी संदीप वासी दाकल है, और अभी तफ्तीश जारी है इस बारे में। आज जुलाना में जो है नशीला पदार्थ पकड़ा गया, जिसके बारे में मुझे सीआईए इंचार्ज का फोन आया था, तो संदीप जी से बात हुई तो बताया कि जो है यहाँ पे आज एक रेड में जो है यहाँ पे हम करेंगे, तो मैं पहुँचा ड्यूटी पे और उस रेड में यहाँ पे जो थे हमें एक ट्रक पकड़ा हमने यहाँ पे, और उस ट्रक में जो था लगभग 138 ग्राम अफीम और 2.5 किलो के करीब जो था चुरापोस्त पकड़ा गया था। और उसके बाद ट्रक को हमने अच्छे पूरे तरीके से छानबीन करी और ट्रक का जो था सारा सामान उतारा गया, और उसकी जो हमने बकाया था पूरी जो है वीडियोग्राफी करी, और उसके बाद जो है हमने आगे की कार्रवाई शुरू करी।
जिला पुलिस कप्तान के मार्गदर्शन में शहर थाना पुलिस महेंद्रगढ़ ने के थाना प्रभारी हरदेव सिंह ने एक स्पेशल अभियान चलाकर महेंद्रगढ़ शहर के प्रमुख बाजार अनाज मंडी रोड, नागरिक अस्पताल, बालाजी चौक, तोलाराम चौक, सतनाली चौक पर अपनी टीम के साथ दोपहिया और चार पहिया वाहन चालकों के चालान काटे और वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करते हुए कानूनी पाठ भी पढ़ाया। थाना प्रभारी हरदेव सिंह ने बताया कि प्रमुख बाजारों में पहुंचकर बाइकों पर बिना हेलमेट के घूम रहे युवकों के चालान काटे गए हैं। इसके अलावा गाड़ियों पर लगी काली फिल्म को भी हटाया गया है और उनके भी चालान काटे गए हैं। कुछ वाहन चालकों के जरूरी कागजात नहीं मिलने पर उन वाहन चालकों को इम्पाउंड भी किया गया है। साथ ही लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से कोई भी वाहन लेकर निकले तो उसमें जरूरी कागजात अपने साथ जरूर लेकर निकले। दो से अधिक लोग बाइक पर ना बैठें और बाइक पर बैठने वाला व्यक्ति और पीछे बैठने वाले व्यक्ति के सर पर हेलमेट होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों की जिनकी उम्र 18 साल से नीचे है उनको वाहन चलाने ना दे और उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। सर हेलमेट लगा कर नहीं चल रहे उनको जागरूक किया। हेलमेट चला को उसके बड़ी सेफ्टी होती है, अपने जान होता है और ब्रेम हेमरेज और उससे सिर की चोटों से बचाव हो जाता है यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है। और बिना नंबर के गाड़ी यदि किसी के गाड़ी में ब्लैक फिल्म लग रही है उसको उतरवाएंगे और रॉन्ग साइड चल रहा है उसको उनको चालान किए गए। सर देखा गया आपने यहाँ पे काली फिल्म भी गाड़ियों से उतरवाई है? हाँ जी काली फिल्म उतरवाई है। तो सर कितने चालान अभी तक किए गए? 22 चालान हो गए। तो सर ये अभियान कब तक जारी रहेगा? ये लगातार ही चलता रहता है जी। बिना नंबर की प्लेट की गाड़ी, बिना हेलमेट के या बिना लाइसेंस के कोई गाड़ी चलाते हैं उनके बच्चों को समझाना, उनके माँ बाप को समझाना बुला के। एक बार फिर से अम्बाला में धुंध का नजारा देखने को मिला। हालांकि सैर करने वाले लोग इसका खूब आनंद उठाते नजर आ रहे हैं। हालांकि वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक जरूर लगा है, वाहनों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। वहीं आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है और आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा। वहीं किसान के चेहरे जरूर खिल गए हैं क्योंकि जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी उतनी ही ज्यादा गेहूं की पैदावार होगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये कोहरा गेहूं की फसल के लिए किसी रामबाण से कम नहीं। मौसम मिल नहीं सकता और मस्ती ही मस्ती है और जो लोग सोए हुए हैं वो बहुत कुछ खोए हैं। उठो और इस धुंध का और इस सुबह की स्याही का नजारा लो। पहले भी दो दिन पड़ी थी बहुत ज्यादा लेकिन अब इतनी नहीं है, अब वो ठीक चल रही है, तो बहुत ज्यादा धुंध नहीं है। तो आप मैं डेली सैर करने पिछले 50 साल से सैर कर रहा हूँ, पटेल पार्क जैसी कोई जगह नहीं है, ये तो अम्बाला कैंट के लिए एक बहिष्ट है। आनंद आ गया, पूरा आनंद आ गया सैर कर। भिवानी जिले में दूसरे दिन भी कोहरे की दस्तक बनी रही जिसके चलते आमजन की समस्या बढ़ी रही। कोहरे की वजह से 10 मीटर की दूरी पर भी कुछ नजर नहीं आता जिसके चलते वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सावधानी के साथ अपने वाहनों को चलाएं ताकि घने कोहरे के चलते वाहन चालक और वाहन सुरक्षित रह सके। पश्चिम विक्षोभ के चलते मौसम विभाग ने जहां अलर्ट जारी किया था कि इन दिनों मध्यम गति की हल्की बारिश होगी, लेकिन यहां राजस्थान से सटे विभानी जिले में हालांकि बारिश तो नहीं हुई है लेकिन कोहरे की दस्तक एकाएक बड़ी हुई है। ये कोहरा किसानों की फसल के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा।
कोहरा बहुत ज्यादा है, दो दिन से इतना ज्यादा कोहरा है कि 10-10 मिनट से भी गाड़ियों में दिखाई नहीं देता, आता जाता हाथ को हाथ नहीं दिखता और बहुत जबरदस्त कोहरा है, बहुत नुकसान है। लाभ तो ऐसा है कि जमीन में अगर गेहूं में ये खाद की तरह काम करता है, अगर ये नहीं पड़ेगा तो गेहूं की फसल नहीं होगी, कमजोर होगी, उसमें अनाज में फर्क पड़ेगा। कोहरा तो बहुत जबरदस्त पड़ा हुआ है, कोहरा नहीं पड़ेगा तो खेती नहीं बनेगी, लेकिन बिकलों का नुकसान है, लाभ ही लाभ है, खेती में नुकसान नहीं है, खेती में कोई नुकसान को नहीं, की बचत है, दाना पड़ेगा, बढ़ोतरी आएगी, बाकी खेती में तो नुकसान नहीं है। हाँ, बच्चों को तो है ही, ठंड की शिकायत है। देखिए, सर्दी अभी आरंभ हुई है और कोहरा फसलों के लिए तो लाभदायक रहता है, लेकिन आवागमन के लिए और वाहनों को चलाने में और आने जाने में दिक्कत होती है और आगे का दिखाई नहीं देता तो दुर्घटना की संभावना भी ज्यादा रहती है, इसलिए या तो जाने से बचें या जाएं तो फिर अपने सावधानी पूर्वक चलें। है फसलों के लिए बहुत बढ़िया है ये, फसल के लिए तो समझो घी गल गया फसल में, ऐसा बढ़िया काम कर रहे हो, क्यों कड़ बरसात हो ही नहीं तो कोहरे से काम खेती डटेगी, थोड़ा बहुत पानी दे देंगे जमींदार, और तो कोई नुकसान तो है नहीं फिलहाल। इनके लिए तो देखो पशु भी तकलीफ में है, पक्षी भी तकलीफ में, वाहन चलानी है, गाड़ी घोड़े चलानी है, ये भी देखो तकलीफ में, आगे का दिखा को नहीं, एक्सीडेंट होने का डर है। भाई ध्यान से चलाना चाहिए, आराम से जल्दी करनी नहीं चाहिए, स्कोर हमें और 5 मिनट फालतू लाग जाए। रादौर क्षेत्र में ओवरलोड रुकने का नाम नहीं ले रहा, जठलाना और गुमथला क्षेत्र में खनन घाटों से ओवरलोड ट्रक खनन सामग्री लेकर धड़ल्ले से दिन रात सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिससे ग्रामीण सड़कें बदहाल हो गई हैं। वहीं ओवरलोड वाहन कई बार दुर्घटनाओं का भी सबब बन चुके हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसके चलते स्थानीय लोगों में प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर रोष देखा जा रहा है। हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी के अध्यक्ष एडवोकेट वर्याम सिंह ने कहा कि क्षेत्र में दिन रात ओवरलोड और अवैध खनन का खेल प्रशासन की नाक के नीचे धड़ल्ले से चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरी भगत से यह कार्य चल रहा है, अवैध खनन और ओवरलोड पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने पुलिस चौकी भी स्थापित की है, बावजूद उसके ओवरलोड और अवैध खनन से लदे वाहन उनके सामने से सरेआम गुजर रहे हैं। वहीं भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावे से सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। देखिएगा, जिस तरह से ओवरलोड वाहनों और अवैध खनन की भेंट हमारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र चढ़ा है, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से गुमथला जठलाना क्षेत्र की सड़कें बिखर चुकी है, करोड़ों रुपए की लागत से हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई ये सड़कें लाखों रुपए का टेंडर लेने वाले और गैर कानूनी से ओवरलोड करने का कार्य करने वालों ने इन सड़कों को हानि पहुंचाई है। देखिएगा, जठलाना और रादौर थाना में राष्ट्र संपत्ति सड़कों के नुकसान के लिए पीडीपी एक्ट का एक भी मुकदमा, राष्ट्र संपत्ति को डिस्ट्रॉय करने का एक भी मुकदमा जो है वो नहीं दर्ज किया गया, इसमें पुलिस की नेग्लिजेंसी है। और देखिएगा, जहां स्पेशल चेक पोस्ट लगाई गई है उसके आगे से जिस तरह से वाहन जा रहे हैं, तो इससे ज्यादा ओवरलोड का तांडव हरियाणा प्रदेश के जिला यमुनानगर के जठलाना थाना के अंतर्गत और रादौर। ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब पातशाही छठी कुरुक्षेत्र में 26 दिसंबर को होने वाले धार्मिक समागम में सबसे पहले सीएम मनोहर लाल रक्तदान शिविर शुरू करेंगे, जिसके बाद गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के समक्ष शीश नवाते हुए श्री अखंड पाठ के समापन पर हाजिरी देंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जानकारी हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान जत्थेदार भूपेंद्र सिंह असंध ने दी।
छेवीं चरण छो प्राप्त गुरु हरगोबिंद पातशाह के नख मस्त हुए हैं अते प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाई है। हरियाणा के पातशाह छेवीं कुरुक्षेत्र बड़ी धार्मिक जगह है, उथे माननीय साडे सरकार लोग प्रधानमंत्री जी मोदी साहब जिन्होंने पिछले सालों वीर बाल दिवस की छुट्टी करके पूरी इंडिया विच लोगों नू सिखा दे मन जिते अज विशेष तौर पर भिवानी में भव्य रोड शो के साथ आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान आम आदमी पार्टी की चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन अशोक तंवर ने कहा कि किसानों के हकों को डराने वाले अन्नदाताओं और उनके परिवारों के बारे में अशोभनीय टिप्पणी करने वाले अन्नदाताओं पर लाठियां और डंडा बरसाने वाले और 750 अन्नदाताओं की मौत के जिम्मेदार बीजेपी ने अन्नदाता सम्मेलन के नाम पर एक बार फिर से किसानों को बरगलाने का काम किया है। तरीके से परास्त हुई, कांग्रेस के ऊपर अविश्वास हरियाणा की जनता करेगी तो यहाँ भी हरियाणा की जनता को धोखा मिलेगा। ये बीजेपी से साठ गांठ करके सरेंडर कर जाएंगे, इसलिए एकमात्र विकल्प आम आदमी पार्टी आम आदमी का साथ है और नया नेतृत्व इस हरियाणा में तैयार करे जो साधारण परिवारों का हो, ग्रामीण पृष्ठभूमि का हो, गैर राजनीतिक परिवारों से हो। और हरियाणा के लोग ये भी कह रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली में मगरमच्छ मार दिए थे, परिवारवाद जो पैसे की राजनीति है अब ऐसे ही मगरमच्छों को हरियाणा के अंदर भी मारो। किसने नकली दवाई बोलेगा? नकली दवाई दिल्ली में सब असली है। पार्टी की मेरी बहुत ही सरकार जो बहने और मेरे सभी भाई साहब हर पार्टी की तरफ से अभिनंदन करता हूं, जी आया को वेलकम करता हूं और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं कि आप लोगों ने वो पार्टी चुनी है जिसे पहले दिल्ली वालों ने अपनाया और 2022 में पंजाब वालों ने भी 92 MLA जिताकर I can make dosas faster. Must be true.